Hi friends, welcome to SFT India Free Learning Open University. My dear, चलते कालका मार्केट यानी 11th जून फ्राइडे निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या रणनीति रहेगा, कहाँ पे ट्रेड आएगा, कहाँ पे बाइंग करेंगे, कहाँ पे सेलिंग करेंगे, उसको ब्रीफली एनालिसिस करते और कल कौन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड होगा, किसी स्टॉक के अंदर बाइंग करेंगे, किसी स्टॉक के अंदर सेलिंग करेंगे, उसको ब्रीफली जानते कालका मार्केट को एनालिसिस करने से पहले एक बार आज का मार्केट का ओवरव्यू ले लेते। आज मॉर्निंग में डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज 152 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ और एक्सएक्स निफ्टी 32-34 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था। उसके साथ डाउ फ्यूचर भी उसको सपोर्ट देके 32-34 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा था। दोनों मार्केट का पॉजिटिवनेस को देख के ये मार्केट उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा सा फ्लैट से गैप अप ओपनिंग भी होगा, तो ऐसे ही मार्केट प्री ओपन मार्केट में ओपन हुआ। तो माय डियर, जो लेवल में आप लोगों को दिया था, चलिए देखिए वो लेवल कैसे काम। देखिए माय डियर, ये निफ्टी का चार्ट है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी आज एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया ड्यू टू द ग्लोबल मार्केट। मैं जो लेवल आप लोगों को प्रोवाइड किया था, यही रेंज बताया था माय डियर, ये जो लाइन में खींचा था, ये लाइन को टच करने के बाद मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, मगर ऐसा निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ ड्यू टू द ग्लोबल मार्केट पॉजिटिवनेस। देखिए डाउ 33-34 पॉइंट पॉजिटिव था, एक्सिस निफ्टी भी पॉजिटिव था, इसीलिए हमारा मार्केट एक अप ट्रेंड बना के धीरे 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 होकर ऊपर की तरफ गया। ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कोई ट्रेड जो लेवल के अंदर कोई ट्रेड नहीं आया, तो ये सेम ट्रेड में लाइव मार्केट के अंदर प्रोवाइड किया था 15,700 का। मैं एक कॉल को बाय करने के लिए आप लोग को बताया था। सेम अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर माय डियर, ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर सेम डायरेक्शन में आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी ये जो लाइन में डाला हूं, ये लाइन को टच करने के बाद इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगा, मगर ये कुछ नहीं किया, सेम इसी लाइन को ओवरटेक किया। लाइव मार्केट के अंदर मैं सीधा एक बैंक निफ्टी का 35,000 का कॉल को बाय करने के लिए प्रोवाइड किया था, जिससे आपको 2,000 से 3,000 का मुनाफा मिल। देखिए माय डियर, कभी कभार क्या होता है, पोस्ट मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं मिलता, जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको प्रोवाइड होता है उसी लेवल के अंदर ट्रेड नहीं आता है। जैसे आज कुछ भी ट्रेड नहीं आया, मगर कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर जबरदस्त सेलिंग ट्रेड था। तो इसको आप कैसे, ये चीज को अवॉइड करके ट्रेड हर रोज पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा लाइव मार्केट के अंदर जुड़ना पड़ेगा। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये लिंक, ये लाइव मार्केट का लिंक दिया गया है, ये लिंक को क्लिक करो, 9 AM से 9:30 PM तक मेरे साथ में जुड़ो और मैं जो लाइव में ट्रेड देता हूँ वो ट्रेड का मजा ले लीजिए। और दूसरा भी, मैं यूट्यूब में भी लाइव में आ रहा हूँ सेम टाइम 9 से लेकर 9:30। अब इधर यूट्यूब में भी आइए, लाइव के अंदर मैं ट्रेड देता हूँ, आप ट्रेड लीजिए। और खाली निफ्टी बैंक निफ्टी का यहाँ पे एनालिसिस नहीं होता है, उसके साथ साथ स्टॉक का भी एनालिसिस होता है। तो देखिए स्टॉक आपको DLF दिया गया था, गोदरेज CP दिया गया था, अंबुजा सीमेंट दिया गया था, और आपको निफ्टी का 15,700 का कॉल भी लाइव मार्केट के अंदर दिया गया था। ये प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लाइव मार्केट के अंदर था, जैसे कि गोदरेज CP था, DFL था, क्या मोमेंटम था। अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे ये मोमेंटम का भी तो मजा लोगे ना दोस्त, पैसा भरपूर कमाओगे। यहाँ पे जुड़िए मेरे साथ लाइव मार्केट के अंदर, यूट्यूब लाइव में आइए, मेरा वेबिनार का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आइए उसके अंदर आने के बाद आप डेफिनेटली पैसा कमाओ। तो ये मेरा वेबिनार का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करिए, वेबिनार में जुड़ जाइए, नहीं तो आप यूट्यूब लाइव में भी जुड़िए। और आपको ये दोनों में भी नहीं होता है तो ये मेरा www.sftaindia.com जाइए, यहाँ पे पोर्टफोलियो कुछ देखिए ओपन पोजिशन खड़ा हुआ है, अंबुजा सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, निफ्टी 15,700 कॉल का अभी तक ओपन है पोजीशन। आप ये पोजीशन भी मॉर्निंग में उठा के ट्रेड कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो है आप ट्रेड करिए, लाइव में आइए, जूम पे आइए और ये लेवल के अंदर भी ट्रेड करिए, आओ मिलके कमाएं।
तो आप नहीं आओगे तो कैसे होगा माय डियर? ठीक है डियर, डिपेंड अपॉन यू। चलते हैं कालका मार्केट, यानी 11th जून हाईडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या रणनीति रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी एकदम क्लीन पिक्चर है, क्लीन लेवल है। कल निफ्टी गैप अप, कहां पे गैप अप होगा? 15,765 से लेकर 15,800, ये जो 50 रुपीज का रेंज है, तो यहां पे ये नो ट्रेडिंग जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन, आप यहां पे ट्रेड मत करिए, इंतजार करिए मार्केट एक बार रिट्रेस होके ये लेवल के अंदर डाउन होना चाहिए, यानी 15,750 के नीचे आना चाहिए मार्केट को। यहां से आप शॉर्ट करिए, मार्केट नीचे गिर जाए, और नीचे की लेवल में बाइंग अपॉर्चुनिटी 15,500 के पास ही आएगा, तब तक ये मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं आएगा। ऐसे ही कंसोलिडेटेड करके धीरे 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 करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो माय डियर, अगर पूरा बड़ा गैप अप होता है, यानी 15,800 के ऊपर गैप अप होता है, यानी ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो मार्केट में एक न्यू हाई न्यू रेंज के लिए तैयार हो जाएगा। और ये पॉसिबल नहीं है, जब तक ग्लोबल आपको सपोर्ट नहीं देगा तब तक आप पॉसिबल नहीं है 15,800 के ऊपर टिक के 16,500 के पास जाने, क्योंकि एनी हाउ ग्लोबल मार्केट को 35,000 को क्रॉस करना पड़ेगा। ये 15,800 के ऊपर बाय करना मैं ज्यादा सेफ्टी नहीं समझता हूँ। प्लीज ये ऊपर वाला लेवल से 15,800 ऊपर से आप बाय मत करिए, सीधा 15,750 के नीचे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर बाय करना है तो 15,500 के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा। ओनली कालका मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिए, और मार्केट ऐसे ही रेंज में जाएगा। आप लाइव में जुड़िए, मैं आप लोगों को लाइव के अंदर ट्रेड दे दूंगा। आज मैं आप लोगों को ऑलरेडी ट्रेड दिया था 15,700 का, बाय करके जाइए, क्योंकि आज मार्केट गैप अप होगा 15,800 के पास। जब गैप अप होगा हम लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे, फिर मार्केट रिट्रेस होगा तो पुट साइड में बैठेंगे, नहीं तो स्प्रेड बना के ट्रेड करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको बाइंग सेलिंग आ सकती है। निफ्टी में जितना प्रोबेबिलिटी है ट्रेड मिलने का, उससे ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर है, क्योंकि बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए जागा है। क्या होगा बैंक निफ्टी के अंदर? सिंपल, कल अगर गैप अप आपको मिलता है, इसके पास गैप अप मिलेगा, ये आज का हाई के ऊपर 35,165 के ऊपर अगर आपको गैप अप मिलता है, आप सिंपल यहाँ पे बाय करिए, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भागेगा 35,365, और आपका सपोर्ट रहेगा 34,950। अगर आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्केट गैप डाउन होता है, यहाँ पे यू कर्व मिलता है, आप सिंपल यहाँ पे भी आप बाय करिए, यहाँ पे बाय करने से मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, सीधा यहाँ से आपका मार्केट ऊपर की तरफ 35,165 तक जाएगा। अगर गैप अप होता है, डायरेक्ट बड़ा गैप अप होता है, तो आप यहाँ से पूरा यू कर्व में सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्लीन मिल जाएगी।